भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से बेरोजगारी भत्ता बंद होने के खिलाफ आज जिले के रोजगार कार्यालय पर सांकेतिक धरना दिया गया। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष पंडित जले सिंह ने बताया कि नवीनीकरण नहीं होने के चक्कर में बेरोजगारों को मिलने वाला वेतन भत्ता बंद कर दिया गया है, जिससे बेरोजगार युवक परेशान हो रहे हैं और रोजाना रोजगार कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। जले सिंह ने कहा कि एक तो युवा बेरोजगारी से परेशान है, इस पर उन्हें गांवों से पैसा लगाकर रोजाना अलवर रोजगार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस बारे में जब रोजगार अधिकारी श्यामलाल साटोलिया से बात की तो उन्होंने बताया कि राजस्थान में अलवर दूसरा जिला है जहां करीब 15,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो गाइडलाइन बनाई गई थी उसमें रिन्यूअल का प्रावधान रखा गया था और यह रिन्यूअल ई मित्र से किया जाना है। करीब 3,500 बेरोजगार युवा इसका रिन्यूअल नहीं करा पाए, जिसकी वजह से उनका भत्ता रोक दिया गया है। उन्होंने बताया कि रोजगार उपलब्ध कराने में भी अलवर सबसे प्रमुख जिला रहा है। बहुत दिन से युवाओं की बहुत शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से और फोन के माध्यम से आ रही थी कि रिन्यू के नाम पर रोजगार भत्ता रोक दिया गया है। आज मैं यहाँ जिला रोजगार कार्यालय पर श्यामलाल जी जो रोजगार अधिकारी हैं उनसे मिलने आया हूँ। वो अभी थे नहीं, कलेक्ट्रेट गए हुए हैं, तो 12 बजे से और 2 बजे तक हम ये सांकेतिक धरना पे यहाँ बैठे हैं और जब वो आ जाएंगे तो उनसे बातचीत करेंगे और उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि जो युवा गांव से किराए लगाकर अपना समय बर्बाद करके यहाँ रोज आ रहा है उसकी जो रिन्यू वाली समस्या है ये कब दूर होगी। पूरे राजस्थान में 27 लाख से भी ज़्यादा युवाओं का रजिस्ट्रेशन है लेकिन कुछ ही हज़ार लोगों को भत्ता मिल पाता है। हमारे अलवर में भी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा लेकिन भत्ता पहले अच्छा मिलता था, अभी बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है भत्ते की। ना रोजगार मिल रहा है ना भत्ता मिल रहा है। इस कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने या मालाखेड़ा में राहुल गांधी ने खुद ने किसानों का कर्ज माफ और रोजगार भत्ता देने की बात युवाओं को की और झूठ बोलकर जो सत्ता है उसको पाया और अब ना किसानों का कर्जा माफ हुआ ना रोजगार भत्ता मिल रहा है। और जो जितनी भी भर्तियाँ चाहे शिक्षक की हों चाहे चिकित्सा विभाग में हों सभी को कोर्ट में या सरकार ने अपने ही माध्यमों से अटका रखा है, जिससे युवा बेरोजगार घूम रहा है। रीट का जो एग्ज़ाम है 6 लाख से ज़्यादा लोग वो एग्ज़ाम देंगे, उस एग्ज़ाम की भी कोई तारीख मुख्यमंत्री जी ने तय नहीं की है। उस सब के विरोध में ये हमारा सांकेतिक धरना है और अगर 5 दिन में कोई समाधान नहीं हुआ तो सोमवार या मंगलवार को हम बड़ी संख्या में युवाओं को साथ लेकर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए एक बड़ा प्रदर्शन इस गहलोत सरकार के खिलाफ करेंगे। और आज भी हमने यहाँ कोरोना की गाइडलाइन की पालन करते हुए कुछ ही जो हमारे साथी हैं जो हम मिलने आए थे बस वो उन्हीं लोगों को हमने धरने पर बिठाया है। देखो, जहाँ तक बेरोजगार भत्ते की बात है, अलवर जिला राजस्थान में दूसरा बड़ा नंबर है जो इनिशियल स्टेज पर करीब 15,000 लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे रहा था और बेरोजगारी भत्ते का नियमित हर माह भुगतान हो रहा है। करीब 60 करोड़ रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में जिला कार्यालय में बांट दिए। आप लोगों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये छपी बात भी अलवर जिला राजस्थान में दूसरा बड़ा नंबर है। जहाँ तक बेरोजगारी भत्ता बंद करने की बात है तो इस स्कीम की जो ड्राफ्ट था उसमें एक 8-2 क्लॉज था कि हर एक लाभार्थी को उसकी डेट ऑफ अप्रूवल से 1 साल बाद में बेरोजगारी भत्ते के आवेदन को ऑनलाइन ई मित्र पर जाकर रिन्यू कराना पड़ेगा। करीब 3,500 लोग इस प्रक्रिया में असफल रहे, उन्होंने अपना ऑप्शन रिन्यू नहीं कराया। तो राज्य सरकार और इस स्कीम की गाइडलाइन के तहत विभाग ने बेरोजगारी भत्ते के जो आवेदन है उनको रोका है।